इलस्ट्रेशन नंबर वन। अच्छा मैं अब इलस्ट्रेशंस को सॉल्व नहीं करूंगा, हम लोग बुक से ही करेंगे इसको, ठीक है। आप लोग अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो अपनी मर्जी से कर लेना, मैं इलस्ट्रेशन आपको बुक से ही करवा दूंगा, पर प्रॉब्लम आप लोग अगर करना चाहें तो खुद ही कर लेना, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन वन देखिए, और सबसे पहले आप एक फर्क समझ लें, और परचेज जनरल में और परचेज अकाउंट में क्या फर्क है। परचेज जनरल में सिर्फ क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप परचेज का लेजर अकाउंट बनाते हैं तो उसमें कैश की ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करते हैं, ये फर्क है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन वन है जी, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन जनरल द प्रीवियस प्रैक्टिस एज वेल एज इन परचेज जनरल एंड पोस्ट देम टू द लेजर अकाउंट्स। आप पहले परचेज जनरल बनाए, उसके बाद आप लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग करते हैं। ये कैसे होती है, फर्स्ट पहली ट्रांजेक्शन है जनरल 10 को परचेज की थी 400 केजी ऑफ शुगर फ्रॉम स्लीम एंड सन्स। कितने की परचेज किया, रुपीज 10 पर केजी, मल्टीप्लाई करें 400 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये आ जाएगा 4000। हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन क्या होगी, जनरल एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट और सलीम सन्स क्रेडिट, क्रेडिट पे परचेज किया आपने, ठीक है। अब आप ये जो चैप्टर कर रहे हैं ये इसमें क्रेडिट पे सेल और परचेज होगी, ठीक है, कैश पे नहीं होगी। परचेज किया आपने क्रेडिट पे सलीम को, क्रेडिट पेपर बना लिया परचेजेस अकाउंट डेबिट सलीम सन्स क्रेडिट, एंट्रीज कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या होगी, परचेजेस आपने 200 लीटर ऑफ मस्टर्ड ऑयल रहमान एंड कंपनी से, रेट किया उसका 12 पर लीटर, तो इसकी भी ट्रांजेक्शन कर लें परचेजेस अकाउंट डेबिट और रहमान एंड कंपनी क्रेडिट। उसके बाद थर्ड है यही एंट्री होगी लेकिन सप्लायर का नाम चेंज हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट और डाटा घी लीवर ब्रोस, डाटा घी बाय किया लीवर ब्रोस, लीवर ब्रोस क्रेडिट। ये क्वान्टिटी दी हुई या रेट से आपने मल्टीप्लाई करके फिर अमाउंट दी, ठीक है। अब इसकी पोस्टिंग कैसे होगी देखिए, आप ये परचेज जनरल है कि परचेज बुक का फॉर्मेट क्या है ये आप देख लें, ठीक है। डेट का कॉलम है, डिस्क्रिप्शन का कॉलम है, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, इसको आप इग्नोर कर दें। इनवॉइस नंबर लेजर फोलियो में कुछ नहीं लिखना होता आपने, ठीक है, अगर आ भी जाए तो। वैसे आता नहीं है ये एग्जाम में, लेकिन ये ओ लेवल्स में जो है ना ये आता है एग्जाम में, ठीक है, तो ये आप इग्नोर करें। अब डिटेल में क्या आएगा देखिए, डिटेल सारी लिखी हुई है, आपने जो जो क्रेडिट पे परचेज किए हैं अगेंस्ट आपने उसके अकाउंट लिखना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि सारे क्रेडिट परचेजेस जो है वो इसमें आएंगे, लेकिन अकाउंट आप इसके अगेंस्ट ही लिखेंगे, ठीक है, कि जिस सप्लायर से आपने परचेज की उनकी क्रेडिट, सप्लायर का नाम आया और अमाउंट आ गई और प्रोडक्ट का नाम आ गया और उसकी डिटेल आ गई, ठीक है, अमाउंट आ गई उसकी। देखें तीनों ट्रांजेक्शन की, रिमान एंड कौन से जो परचेज की और जो लीवर ब्रोस से परचेज की, अमाउंट भी उसकी आ गई, ठीक है। उसके बाद इसका टोटल कितना बना, 7400। अब जो क्रेडिट परचेजेस है वो तो आपने परचेज जनरल में रिकॉर्ड कर ली, लेकिन उसके अगेंस्ट जो अकाउंट होते हैं, ठीक है, उनका आपने लेजर अकाउंट बनाना होता है। तो उनकी लेजर में कैसे पोस्टिंग होगी देखें, उसके बाद सलीम एंड सन्स का जब लेजर बना, ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट है और सलीम एंड सन्स क्रेडिट में, तो सलीम एंड सन्स की क्रेडिट साइड पे क्या आएंगी, परचेजेस अगेंस्ट अकाउंट, ये सलीम एंड सन्स का लेजर अकाउंट है। लेजर अकाउंट्स किसके बन रहे हैं, जिनसे आप परचेजेस कर रहे हैं, ठीक है, परचेज जनरल को देख के। फिर उसके बाद परचेजेस अकाउंट, लेजर अकाउंट जो आपने बनाना है, सारी अमाउंट को आपने प्लस करना है, ठीक है। परचेजेस अकाउंट डेबिट होते हैं अगेंस्ट उसके जितने भी क्रेडिटर है उस सबकी अमाउंट आपने लिख देनी है, तीनों की प्लस करनी है, ये परचेजेस का लेजर अकाउंट है, ठीक है। देन उसके बाद रहमान एंड कंपनी का लेजर अकाउंट है, उसके अगेंस्ट क्या है, परचेजेस रहमान एंड कंपनी क्रेडिट में। फिर लीवर ब्रोस क्रेडिट में अगेंस्ट क्या है, परचेजेस, ये लेजर अकाउंट है, ठीक है। तो ये हमारी इलस्ट्रेशन 1 कंप्लीट है।